नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे, आज मार्केट जो है वो क्रैश हो चुका है, जिसके पीछे बिग रीजन है। सीरिया जो कंट्री है उस पर बमबारी किया गया है यूएस के द्वारा, ये मेजर कारण है। और साथ ही साथ जो पैंडेमिक है ये अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, पैंडेमिक में कंट्रोल में नहीं है, जिसके कारण हमारा जो GDP है वो खराब है, हर सिचुएशन खराब है। तो जिसके कारण भी बताया जा रहा है कि मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ सकता है, जिसकी शुरुआत आज मान सकते हैं, क्योंकि जो डेली का टाइम फ्रेम है, यहाँ टेक्निकल हम चार्ट पे बात करेंगे, और जो न्यूज है हमारा जो पैंडेमिक है, ये सारी चीजें तो हम जानते ही हैं। ये 20 EMA है हमारा रेड लाइन। जब डेली चार्ट पर ये 20 EMA के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो हम मानते हैं कि मार्केट में गिरावट हो रही है, और ये गिरावट कितना चलेगा ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पिछली बार यहाँ पर आया था, यहाँ से सपोर्ट लेकर के जबरदस्त बाउंस बैक किया था, लेकिन इस बार काफी बड़ा ये रेड कैंडल आज बनाया है। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया है, निफ्टी 50 ने, और बैंक निफ्टी जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी ही निफ्टी को सबसे ज्यादा नीचे लेकर आया है। अगर ये कल इसके नीचे स्टार्ट करता है ट्रेड करना, मतलब नीचे जाता है, तो हम मानेंगे कि मार्केट में गिरावट का प्रारंभ हो चुका है। इसके नीचे जाता है तो हम मानेंगे कि गिरावट जो है प्रारंभ हो चुका है। अब ये गिरावट कितना बड़ा होता है ये तो आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि गिरावट कंटिन्यू रहता है या नहीं। लेकिन 20 डे का जो EMA है उसको ब्रेक कर दिया है, तो जो 20 डे का EMA होता है वो शुरुआत होती है। अगर ये 200 डे के EMA को ब्रेक करता है, तो देखिए 200 डे का EMA हम यहाँ पर लगाते हैं, तो मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने लिया है, और इसको कर देंगे यहाँ पर 200। जैसे हम 200 करेंगे तो ये हमारा एक आ जाएगा मेजर सपोर्ट। अगर इसको 200 डे के EMA को ब्रेक करता है, तो 200 डे के EMA देखिए अभी कहाँ पे है, 200 डे के EMA है 12,700 पे। तो अगर ये 12,700 के नीचे चल गया तो ये समझिए एक बहुत बड़ा, मतलब एक मार्केट क्रैश होगा, बहुत बड़ी गिरावट। जब 200 डे के EMA को ब्रेक कर देता है तो वहाँ से एक बड़ी गिरावट होती है मार्केट में, बहुत वीकनेस आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो पिछली बार गिरावट आया था, तो ये 200 EMA को जब यहाँ पर ब्रेक किया, देख सकते हैं ये निफ्टी, तो यहाँ से लगातार ये क्रैश हुआ 11,700 से डायरेक्ट आ गया था 7,500 पर, 7,500 पर आ गया था निफ्टी। और यहाँ पर फिर से अगर ये 200 डे के EMA को ब्रेक कर देता है, तो 200 डे के EMA को ब्रेक करने के बाद काफ़ी तेज गिरावट होगी निफ्टी में। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 200 डे का EMA एक मेजर सपोर्ट होता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो बड़ी गिरावट आएगी मार्केट में। वहीं बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में देख सकते हैं यहाँ बड़ा रेड कैंडल, बैंक निफ्टी ही निफ्टी को सबसे ज़्यादा गिराया है। तो डायरेक्ट बैंक निफ्टी ही जो है निफ्टी को ड्रैग करते हुए, खींचते हुए नीचे लेकर आया है। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर 20 डे का जो EMA है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ से जबरदस्त बाउंस किया था बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी ही निफ्टी को भी ऊपर लेके गया था। इसमें भी हम मूविंग एवरेज लगा देते हैं 200 डे का। 200 डे के मूविंग एवरेज पर आप देख सकते हैं कि जो मूविंग एवरेज लगाएंगे 200 डे का, तो 200 डे का जब ब्रेक कर देगा तो बैंक निफ्टी में बड़ा गिरावट आएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 200 डे का EMA जो है वो देखिए, 200 डे का EMA है 28,342। तो यहाँ पर ये जो 200 डे का EMA है काफ़ी, मतलब नीचे है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी वो बाद में बुलिश हुआ था, निफ्टी पहले से बुलिश था, बैंक निफ्टी बाद में बुलिश हुआ, और बैंक निफ्टी ही बाद में निफ्टी को ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पे लेके गया था। और यहाँ पर पहले भी देखेंगे जो हमारा मार्केट क्रेश हुआ था उस समय, ये जब 200 डे के EMA को ब्रेक किया था, यहाँ पर देखते हैं 200 डे के EMA को जब ब्रेक किया तो उस दिन गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ से गिरते चला गया बैंक निफ्टी। ये होता है कि जब 200 डे के EMA को ब्रेक करे तो एक बड़ी गिरावट आती है मार्केट में, और जब 200 डे के EMA को क्रॉस करके बैंक निफ्टी ऊपर गया तो यहाँ पर देखते हैं पहली बार में ये क्रॉस नहीं कर पाया, दूसरे बार में जब ये क्रॉस किया तो यहाँ से देखते हैं एक तेज रैली आया था, यहाँ से काफी गजब की रैली किया था बैंक निफ्टी। 200 डे का जो EMA होता है एक मेजर सपोर्ट होता है। अभी ये तो मात्र 20 के EMA को ब्रेक किया है, तो 20 डे के EMA शुरुआत माना जाता है किसी भी ट्रेंड का। तो यहाँ से हो सकता है ये मार्केट अगर कंटिन्यू करता है तो ये आज जो होगा गिरावट, ये इस ट्रेंड का, मतलब मार्केट के गिरावट का, मार्केट के क्रेश का शुरुआत होगा। तो आगे देखते हैं कैसे कैसे होता है। वहीं हमारा जो सेंसेक्स था वो भी देखते हैं अपने रिकॉर्ड हाई पे, लगभग ये 53,000 तक पहुंच चुका था, और इस सेंसेक्स में भी आज गिरावट आई है, जबरदस्त गिरावट है। तो
निफ्टी भी क्रैश हुआ, बैंक निफ्टी भी क्रैश हुआ, सेंसेक्स भी क्रैश हुआ, सारे सेक्टर में आज गजब की गिरावट थी। तो अगर ये मार्केट कल नीचे यहाँ से ट्रेड करना शुरू करता है, आज जहाँ पे क्लोजिंग हुआ, तो समझिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है या बड़ी गिरावट हो सकती है या कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो सकता है, उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। ये तो टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं हम लोग कि मार्केट में गिरावट हो रही है या मार्केट बुलिश है। अगर सिचुएशन की बात करें, सिचुएशन तो पहले से ही काफ़ी ख़राब है। सिचुएशन अभी भी जो कोरोना वायरस है वो कंट्रोल में नहीं आया है, लगातार केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, लगातार केस मिल रहे हैं कोरोना वायरस के साथ साथ, उसके कारण जो हमारी इकोनॉमी है वो भी काफ़ी ख़राब है। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में मार्केट में क्या ये क्रैश चालू रहता है। तो आपको 20 डे का EMA, 50 डे का EMA, 100 और 200 लगा लेना है। अगर यहाँ से गिरावट कंटिन्यू होता है, हो सकता है ये 100 डे के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले, या वहाँ से ब्रेक करता है 200 डे के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले सकता है। तो दोस्तों हम मूविंग एवरेज का ही इस्तेमाल इंट्राडे में भी करते हैं, सारे चीज़ के ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश है इसका भी एनालिसिस करने में हम मूविंग एवरेज का प्रयोग करते हैं। मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छा है, बस इंट्राडे में टाइम फ्रेम जो है डेली के बेसिस पे 15 मिनट 10 मिनट कर देते हैं और इंट्राडे में हमें पता चल जाता है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। तो मूविंग एवरेज काफी अच्छा इंडिकेटर है जिससे आप मार्केट के ट्रेंड को जान सकते हैं आसानी से। अलग अलग मूविंग एवरेज का अलग अलग सिग्निफिकेंस है और 20 डे का मूविंग एवरेज जो है काफ़ी बेहतरीन होता है। मार्केट अगर अपना ट्रेंड कभी चेंज होता है, अगर ट्रेंड बदल रहा है, जैसे बुलिश था अभी तक बैंक निफ्टी, अगर बेयरिश होगा तो सबसे पहले हम किससे पता करते हैं, 20 डे के EMA से। 20 डे के EMA को जब ब्रेक करता है तो ये एक मतलब शुरुआत माना जाता है कि यहाँ से ट्रेंड शुरू हो सकता है, लेकिन कन्फर्मेशन ये नहीं देगा। कन्फर्मेशन तब मिलेगा जब ये मतलब मार्केट क्रेज का 200 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे, 100 डे को करे, 200 डे को करे। अगर 50 डे को EMA को करता है तो थोड़ा सा हम मानेंगे कि और अच्छी शुरुआत है। और जब मूविंग एवरेज क्रॉस करता है जैसे 20, 50, 100 एक दूसरे को, तो माना जाता है कि जो ट्रेंड है वो वास्तव में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे मूविंग एवरेज के सेक्रेट हैं जो कि आपको जानना पड़ेगा अगर मार्केट का ट्रेंड जानना चाहते हैं आप लॉन्ग टर्म में, अगर इंट्राडे में। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बार बार बताते रहते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट जिस तेज़ी से गया है उसी तेज़ी से गिर भी सकता है। अगर मार्केट उसी तेज़ी से गिरता है तो आपका सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉफिट बुक करते रहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।